रही एसएन जी असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग का पेपर ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 40 से 45 क्वेश्चन और हमारे पास आए हैं तो ये आप लोगों ने शेयर किए हैं तो हम इन्हें इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर का मैंने किया है। आसान पेपर था और सेकेंड टाइम जो हुआ है दोनों तकरीबन बैलेंस पेपर थे आसान थे दुआ करते हैं हम के यकोम को जो एग्ज़ाम होंगे वो भी इसी लेवल के होंगे और सारे लोगों को इक्वली चांस दिया जाएगा इंटरव्यू में परफॉर्म करने का जो लोग सारबेट में आएंगे मेरड में आएंगे और उम्मीद करते हैं किसी के साथ नासाफ़ी नहीं होगी ना इंसाफी तो कुछ लोगों के साथ हो गई है जो लोग नहीं पहुंच सके हैं स्पेशली रावर पिंडी की और लाहौर के जो लोग थे उन सेंटर पे जहाँ पे रास्ते बंद थे तो जिन लोगों की तैयारी थी उन्हें जाना चाहिए था पहुंचना चाहिए था चाहे स्पेशल सवारी करके जाना पड़ता उन्हें जाना चाहिए था अब उनके पास रास्ता कोई नहीं है एक ये रास्ता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए क्योंकि पूरे मुल्क में इशूज थे लेकिन कोर्ट में आपको पता डॉक्यूमेंट भी चलती है सारी चीजें तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं गवर्नमेंट ने जो चीजें बंद की हुई थी उसके हवाले से फिर शायद आपको रिलीफ मिल सकता है अदरवाइज तैयारी करें आगे चलें ये मौका ना सही और अल्लाह पाक आपको कोई मौका देगा तैयारी आप लोगों ने की है इसका जरूर मिलेगा आ जो के बड़ी अभी पास है। अच्छा, टाइम का पेपर हुआ है कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं हम इनशाला है हमारी टीम तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे आप लोगों के पास जो सवाल है इवनिंग के वो भी आप शेयर कीजिएगा क्वेश्चन जी हमारे पास विच एनर्जी कोल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है तो बेटा ये केमिकल कोल पेट्रोल हो गई तो जब ये टूटते हैं तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, हीट में, और जो एनर्जी आप देखें तो केमिकल एनर्जी इसका सही आंसर था बेटा नेक्स्ट हमारे पास है निशाने हैदर, तो किसे जी निशाने दिया गया है दो तीन नाम थे मुझे बताया गया है उनमें आलाफ्तीज भी कहीं पे था ऑफ मुझे बताया गया कि आंसर उसका ठीक था, कौन कौन से तीन नाम थे मुझे नहीं है याद आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा आगे चलते हैं टू गिव अप द घोस्ट इसका मतलब क्या है जी इसका मतलब है जी काम को छोड़ देना तो या आप काम कर रहे थे टू स्टॉप वर्किंग कह सकते हैं टू डाई भी इसका जो है ना मतलब किसी हद तक हो सकता है टू स्टॉप वर्किंग ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि क्या क्या था आपके पास अच्छा आप अपनी मार्किंग जरूर किया करें जो भी बच्चा एग्जाम दे के आता है वो अपनी मार्किंग किया करे और इन सवालों को अपने पास सेव कर लिया करें क्योंकि तो बहुत सारे सवाल ये जो पेपर की किताबें हैं उसमें जो आते हैं वो मिक्स, वो मिक्स मतलब अपनी तरफ से ऐड कर जिस तरह आज बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं अपनी तरफ से उठा के जबरदस्ती सवाल डाले हुए हैं तो इसी तरह से किताब में आ जाएंगे यही सवाल और जो ओरिजिनल सवाल है वो कहीं रह जाएंगे तो आप अपने खुद का एक डेटा बैंक बनाया जिसमें ओरिजिनल सवाल मौजूद हों

शिवाजी साहब जो है उनके हवाले से मुकद्दस समझा जाता है और वहां जो पूजा की जाती है तो ये हंगोल कंट्री का पूछा गया था तो पाकिस्तान है बाद दफा वो हिंगोल का पूछता है बाद दफा डिस्ट्रिक्ट का पूछता है तो इस तरह से सवाल वो दे रहा होता है आपको इंदिरा गांधी के हवाले से पूछा गया था इसे कब किया गया था तो इसे बेटा नाइनटीन एट्टी में उन्नीस में इसे इसके अपने जो गार्ड थे सिख उन्होंने मारा था क्योंकि इन्होंने सिखों के खिलाफ जो था गुरुद्वारे में जो अमृतसर है वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसके बदले में जो है उन्होंने क्या किया था इन्हें वजीरजम जो थी इंडिया की इंदिरा गांधी साहिबा उन्हीं को क्या कर दिया था कत्ल कर दिया था मार दिया था ठीक हो गया जी आगे चलते हैं जी हाँ जी तनहा तनहा किसकी किताब है तो ये जी अहमद फराज साहब हैं जी तनहा तनहा उनकी हवाले से ये सवाल था और आगे आज हमारे पास नेशनल नरेशन नरेशन के सवाल आई टू प्लीज सिट डाउन तो ये आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाना था इसमें जो है टू तो के बाद आती है टू सिट डाउन हमारे पास आ जाएगा प्लीज इस तरह के जो लफ्ज होते हैं पूरा इस तरह के जो लफ्ज हैं वो हजफ कर दिए जाते हैं अगर जिस किसी लफ्ज के आखिर में इजाफी लफ्ज शामिल किए जाए तो वो क्या कहलाते हैं अब इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो आपको पता होगा जो मुझे समझ आया इसमें उसने जो है ना जी हरफे इसमें देखें कि आप इसमें लिखा है दो इसमों को इजाफत के जरिए मिलाना मतलब जैद की किताब है जैसे है या किताब जैद इस मुजमुए को मरकब इजाफी कहते हैं मुझे जो समझ आई बात के मरकब इजाफी के बारे में पूछना चाह रहा है वो इसमें जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने दी है यहाँ पे आपको कि जैद की किताब इसमें जो जैद है आपका ये मजाफ है और किताब जो है ये हमारे पास मुजाफ ये जो जैद है वो मुजाफ इलाई है और जो किताब है वो हमारे पास मजाफ हो जाएगा अब इसमें से देखें आपके पास सवाल के स्टेटमेंट या एंगल क्या दिया था उसने आपको ठीक है जी आगे चलते हैं ल फाइट अगेंस्ट डिजीज डिजीजों ये जो हमारी बीमारियाँ होती हैं इनके खिलाफ आपको बताया कि हमारे वाइट ब्लड सेल जो होती हैं जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं लिक्योसाइड्स भी कहते हैं इन्हें हम ये क्या करते हैं कुत मुदाफियत पैदा करते हैं इनके खिलाफ लड़ते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली सोल्जर भी कहते हैं हमारे बॉडी के जो सोल्जर है यही होते हैं जो बचाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से जितना हो सकता है इम्यून सिस्टम जो आपका है वो बेसिकली इनके ऊपर बेसकारा होता है add to injury ये idiom एक पूछा गया था तो इसका मतलब होता है इंसल्ट करना मतलब एक बंदा पहले जो है ना जी किसी मुसीबत में है दुख में है ऊपर से और उसे जो है ना जी दुख पहुंचाना मुसीबत पहुंचाना यूज्ड इन अ सिचुएशन व्हेन समथिंग हैपेंड और वाज सेड दैट अपसेट यू आफ्टर यू हैव ऑलरेडी बीन अपसेट अबाउट समथिंग एल्स आप किसी और चीज के लिए परेशान थे एक और परेशानी आपके गले पड़ गई है तो इस तरह से इसके लिए आ, आप, आप यूज करते हैं एड टू इंजरी नेक्स्ट है जी मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर तो इसने पता भी क्या किया है जी पहले वो क्या करता था अब उसने एवरेज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया पहले वो सम पूछता था पहले वो सम पूछता था तो आपको पता है एवरेज जो है हमारे पास इसका फार्मूला क्या है सम ओवर एन ये फार्मूला होता है हमारे पास तो हमारे पास पहले जो फर्स्ट हंड्रेड नंबर है उनका हमने सम निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे हम इसका सम जो निकालेंगे वो एन प्लस वन एन इन टू एन प्लस वन ओवर टू ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर के सम निकालने का एन इन एन प्लस वन फिर आपने क्या करना है ये सम का फार्मूला एस का फार्मूला है एस का यहां से सम निकालें जो जवाब है उसे एन पे तकसीम करें तो एन कितना है हमारे पास पहले सौ नंबर है तो हंड्रेड हो जाएगा इन टू हंड्रेड प्लस वन

एक, एक जमा एक, एक एक तकसीम ये ये हो जाएगा हमारे पास पांच। ये आपके पास आ गया एस हमने निकालनी है एवरेज तो एवरेज क्या होगी सम कितना जी हमारे पास ये आया हंड्रेड तो एंड टू फिफ्टी रेशो फाइव डिवाइडेड बाय एन एन कितना आज हमारे पास सौ है इसके साथ ये कट जाएगा तो एवरेज कितनी आई आपके पास पचास पांच आएगी

इसे मैं लेके चलाऊ यहाँ लेके आया इस वक्त हमारे तो पास ये है ये है। इसे मैं लेके गया हूं राइट की तरफ तो छह इशारिया अड़तालीस में दो तीन चार पांच छत दस की पावर सात लिखूंगा इस शक्ल में भी वो आपको दे सकता है इस शक्ल में भी वो दे सकता था इसे आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो है ना जी क्या करना है जी छारिया अड़तालीस जरा दस की ताकत सात जो है इस तरह से भी वो आपको ऑप्शन में दे सकता है ठीक हो गया जी आगे चलते हैं the 154 अब हमारे हमारे पास के एक एक है। के हमारे पास नंबर नंबर एक है 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 जो मालूम तो दूसरा क्या आज उसके टूआइस है एक नंबर के और तीसरा क्या है थ्राइस इस तरह से उसने हमें बता दिया है अगर उसने बता दें एवरेज कितनी एक, एक सौ चौवन है एवरेज का फार्मूला मैंने आपको एवरेज की पूरी एक्सरसाइज करवाई एन होता है तो एवरेज कितनी बताइए सम क्या मजमुआ एक्स जमा दो एक्स जमा तीन एक्स डिवाइडेड बाय एन एक दो तीन नंबर है तीन हो जाएगा एक को मल्टीप्लाई करें तीन के साथ और इसे जमा करेंगे तीन एक्स दो एक्स पांच एक्स और एक छो बो चौवन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी कैसे देखें एक्स यहीं रह गया वन फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स इसे दो से करें नहीं तीन रकम तीन तीन दो ने छ इधर आ जाएगा ऐसे दो और सात दो ने चौदाह एक सात तो एक्स की वैल्यू आपके पास सेवनटी सेवन एक्स की वैल्यू कितनी है सेवनटी सेवन एक नंबर आपका क्या सेवनटी सेवन है ये ये कितना हो जाएगा ऐसे डबल कर दें आप दो से करें चार और एक सौ चौवन हो जाएगा अब ये कितना होगा हमारे पास तीन से करें सेवनटी सेवन को साजरब तीन इक्कीस इक्कीस दो तेईस दो सौ इकतीस तो ये तीसरा नंबर है ये पहला नंबर है उसने क्या क्या है बिटवीन फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर में डिफरेंस बताना है तो एक सौ चौवन आपका आंसर आएगा दो सौ इकतीस में से निकालें सेवनटी सेवन क्या बचता है आपके पास यही नहीं बचता वन फिफ्टी फोर तो ये आपका आंसर होगा सही करके इस तरह से आपने इसे करना था आगे चलते हैं जी शी नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पे बाय ठीक रहेगा टिल भी किसी हद तक ठीक है लेकिन जो है ना जी आ डॉक्टर आ गया है तो बाय ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे अगर ए ना हो तो आर्टिकल ना लगा होता तो, तो फिर हम टिल भी यूज कर सकते थे ये ज्यादा बेहतर रहेगा मजीद तो आप सर्च करेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि किसबी का नाम कुरान पाक में आया है जी हजरत जीत बिन हारसा ये वाहिद वाहि है जी जिनका जिक्र कुरान मजीद में डायरेक्टली आया है नाम लिया गया है ठीक हो गए सूरह अज में मेरे ख्याल से कहीं पे शायद ये नाम आया है आगे चलते हैं जी गजबा अहब में मुशरिक जो उम्र बिन अबू था उसे किसने कत्ल किया था खंदक या गजब खजबाब में मैंने आपको पढ़ाया था बड़ा पहलवान उनका जो है ना खंदा क्रॉस करके आ गया था उसने ललकारा था तो हजरत अली जो थे वो गए थे नेहरू तो रिपोर्ट किस साल आई थी जो उन्नीस सौ अट्ठाईस में आई थी इसके रिश्वास में तो जिना साहब ने फिर अपने नेहरू रिपोर्ट का इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था एक हमारे दोस्त थे उनसे नेहरू रिपोर्ट थी क्या नेहरू रिपोर्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया को चलाने के लिए और जो लॉर्ड बर्कन बैठा हुआ था उधर उसने चैलेंज किया था कि हिंदुस्तानी अगर इस काबिल हो गए हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं तो मेरा चैलेंज है वाइट पेपर उसने ले रहा है तो तो था बना के दिखाऊ तो फिर हिंदुस्तानियों ने बना के दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी रिपोर्ट बना के जबरदस्त किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था तो उसी को क्या कहा गया था नेहरू रिपोर्ट कहा गया था किसने पेश की थी मोतीलाल नेहरू था जवाहरलाल नेहरू का बाप था ठीक हो गया। जो है ना जी इनकी पैदा जक मतलब क्या होता है जी जक़ात का मतलब आपका जो माल है उसे पाक करना जकत का मतलब यही होता है टू प्योरीफाई इसका लफ्जी मतलब है ठीक हो गया जी

एक रेफरेंस मुझे सेवेंटी परसेंट का मिला है इसमें से ठीक है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो थे ईस्ट बंगाल के या बांग्लादेश के वो बंगाली बोलते थे उर्दू ना होने के बराबर थी वहां पे और थोड़ी बहुत परसेंटेज जो थी वो हिंदुओं की थी बहुत कम थी वो भी तो बंगाली जो है ना जी आप इसे सर्च कीजिएगा जो आपको इसमें से बेहतर लगे उसे आप ठीक कर लीजिएगा मुझे एक रेफरेंस सेवेंटी परसेंट का मिला है एक नाइन एट परसेंट का भी मिला है अब ऑप्शन मेरे ख्याल से यही थे इन में से जो आपको लगता है कि मुनासिब था तो वो आप लगा दीजिएगा हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है बायोग्राफी ऑफ कायदे आजम जो है लिखी थी ये अक्सर सवाल पंद्रह होता है ठीक हो गया जी लार्ज इमेंट्स लार्ज का मतलब होता है बड़ा इमेंट्स का मतलब भी बड़ा ही होता है दोनों का हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके तो इसका मतलब जो इनमें रिलेशन है वो ही हमने आगे बताना था तो ऑप्शन में और भी थे तो ये ज्यादा सूटेबल था हार्टेड और डिसलाइक हार्टे का मतलब नफरत करना होता है डिसलाइक का मतलब नापसंद करना ही होता है तो तकरीबन तो सेम ये किस्म के सैनो है ये भी वैसे ही सैनो नेमी बनती है इनका रिलेशन यही मेरे ख्याल से बेहतर बनेगा स्टार कलर डिफाइन इट्स तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जो है ना जी मुझे बताया कि स्टार का जो कलर है किस वजह से होता है तो ये बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होता है टेमपरेचर कम होता है ज्यादा होता है उस वजह से स्टार के जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी वर डिवाइडेड फॉर विच पर्पस तो ये जो है ना जी सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है है एक तो ये जो ना जी बर्लिन वॉल 1961 में बनाई गई थी 1989 में ये गिरा दी गई थी तो इसका मकसद था देखें ये हमारे पास जर्मनी है सारे का सारा ये बर्लन वाल बना ये हमारे पास ईस्ट जर्मनी और ये हमारे पास वेस्ट जर्मनी तो क्यों बनाई गई थी ईस्ट जर्मनी जो थी वो रशिया के कंट्रोल में थी ये जो बाकी पोर्शन था फ्रांस इनके कंट्रोल में था तो क्यों बनाई गई थी ताकि इधर के लोग उधर ना जा सके उधर के इधर ना जा सके बेसिकली मूवमेंट को कंट्रोल करना था लोगों की मकसद ये था तो आप देखें स्टेटमेंट में उसने आपसे किस तरह से पूछा हुआ था मकसद ये था कि लोगों की जो मूवमेंट है उससे रोका जा सके इधर के लोग उधर ना जा सके उधर के लोग इधर ना जा सके दीवार बना दी दरमियान लोगों ने दीवार को गिरा दिया कब 1989 में जब ये यूएसएसआर बने हुआ यूएसएसआर का जब आप देखें कि जवाल शुरू हुआ उस वक्त लोगों ने गिरा दिया और जर्मनी इकट्ठा हो गया था आगे चलते हैं जी <cemosal>. नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज अनगरेटेड इन मशहूर जमा सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको जुलाई 1948 को जना साहब ने इसके इफ्तिता किया था

लाइन के ऊपर कह सकते हैं वर्ड्स के ऊपर कह सकते हैं उस लाइन में या वर्ड किस तरह से आना है या लाइन में कैसे इंटर होना है कैसे जाना है तो इस तरह से जो है ना जी आप इनमें डिफरेंस uh, कर सकते हैं फाइव वर्कर कैन कंप्लीट टास्क इन आवर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट बाय थर्टीन वर्कर तो ये सवाल था बेटा ये वो जो है ना जी आप देखें प्रोपोर्शन का सवाल था मैंने आपको सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे आप इसमें फिर जो चीज मालूम करनी है वो आपने निकाला हाउ लॉन्ग टाइम का उसने पूछा है तो पहले टाइम बताया उसने आगे उसने आवर आगे हुआ ये हमने निकालना है बाकी जो है हमारे पास पहले पांच वर्कर हैं और फिर कितने वर्कर हैं जी तेरा वर्कर है इनका रिलेशन देखेंगे पांच वर्कर एक घंटे में एक काम को कर लेते हैं तो उसी काम को तेरह वर्कर जो है कितने टाइम में कर लेंगे जल्दी कर लेंगे एक घंटे से पहले कर लेंगे तो रिलेशन क्या है एक चीज बढ़ रही है उधर से दूसरी कम हो रही है रिलेशन कौन सा इनवर्स है तो क्या आएगा रेशो इक्वल करीब वालों का मल्टीप्लाई करें बारह वालों का जवाब आ जाएगा तो आंसर आएगा आपका 5 13. अब आप देख लीजिएगा उसने यहीं पे छोड़ दिया सवाल या उसने आगे भी सॉल्व किया था इसे मजीद सॉल्व करेगा तो पॉइंट में इशारिया में लिखेगा ठीक है हो सकता है उसने यहीं पर छोड़ दिया हो तरीकाकार यही है जवाब यही आएगा आगे चलती हैं जी ये सवाल था जी इसमें देखें देखिए देखें का क्वेश्चन है इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको कुछ करवाए थे पचास माइनस अट्ठारह कितना का थर्टी टू अंडर रूट। टू अंडर रूट। तो को लिख सकता है इधर से बत्तीस उसने बना के दिया है तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या जी लिख सकता हूं मैं जी बत्तीस को लिख सकता हूं मैं पे देखिए ये दो की ताकत दो ये दो की ताकत दो ये दो दो की ताकत दो अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय दो की ताकत दो root, दो अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय पांच को मैंने ये इकट्ठा कर दिया दो ये इकट्ठे कर दिए डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट अब इसके साथ ये कट जाएगा टू अंडर रूट टू स्क्वायर अंडर रूट इसके साथ ये कट जाएगा इसके साथ ये कट जाएग, जाएगा दो जरा भी दो किसके बराबर आएगा चार के बराबर होगा बेटा आपका इसका आंसर आंसर होगा हो ठीक हो गया जी आगे चलते हैं ट्राइंगल की, है, तो की मैंने आपको बेटा ट्राइंगल जो होती है हमारे पास तीन कोने होते हैं ट्राइंगल की डेफिनेशन ही यही है कि जो हमारे पास

तो स्मॉलेस्ट एंगल वही होगा जिसकी रेशो सबसे कम होगी तो अगर वो लार्जेस्ट पूछता हजार हम पांच हमारे पास साठ आएगा तीनों को जमा करेंगे तो एक सौ अस्सी हो जाएगा ठीक हो गया इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है इन हमारे में सबसे जो हैवी प्लानट है वो हमारे पास जुपिटर है सबसे बड़ा भी यही है इतना बड़ा है जमीन के ग्यारह गुना है बड़ा साइज है इसका और हैवीएस्ट भी यही है जुपिटर तरतीब मैंने आपको लिखवाई थी एम एम जे सन याद रखिएगा एम वेम जेसन एक मिनट में मरकरी हमारे पास मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सचोरन यूरिनस और नेपच्यून देखे दो सवाल आए हुए हैं

किसी की बेहतरी के लिए किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करना अच्छाई के लिए काम करना अपने जाति मकसद को सेल्फनेस अपनी जात को पीछे रख के किसी के लिए कुछ करना पॉजिटिव वो हमारे पास उसके लिए आप यूज करेंगे का था ये तो एक आधा सवाल इस तरह से भी आ जाता है आगे एजुक्शन हमारे पास अमाउंट ऑफ बासठ हजार पांच सौ इंटरेस्ट रेट ऑफ फोर परसेंट

ग्रैंडफादर ठीक हो गया जी ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाए वो इसमें जमीर कहलाती है ठीक हो गया जी उर्दू में मोतरज़ा जुमलों के लिए कौन सी अलामत को इस्तेमाल होती है जी कौसैन इस्तेमाल होती है जहां से थोड़ा सा ये नहीं सही बना इस तरह से कर बना लेंगे इसे आप इस तरह से बना लीजिएगा कौशन ठीक हो गया जी आगे चलते हैं अलाम इकबाल जो नजम है हम दर्दी इसके बारे में पूछा गया किस शायर की शायरी के साथ या के साथ रिलेट करती है इस तरह का कुछ सवाल था तो विलियम कॉपर जो एनजी जी है, इसका सही आंसर था बेटा इसकी जो शायरी है या उसकी जो नजम है कोई उसके साथ ये मिलती जुलती है या उसकी कोई ट्रांसलेशन है विलियम कॉपर इसका सही आंसर था आगे चलते हैं जी अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम तो ये जो ना सही था इसमें मिस्टेक उसने कहीं पे वाव डाल दिया होगा कहीं पे उसने कुछ ना कुछ डाल दिया होगा ये इसका जो है ना जी सही था मतलब इसमें वाव भी नहीं आएगा ये इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये सही होगा हम सब दोस्तों के साथ जा रहे हैं इसमें भी उसने कहीं दोस्तों के साथ मिस्टेक डाली हुई थी बच्चों तो ने बताया कहीं पे ये जो हाँ है या जा रहे हैं इसमें मिस्टेक डाली हुई थी तो ये बेटा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन थे बेटा चालीस बयालीस क्वेश्चन और हमारे पास आए थे हमने आप तक ख्याल से 90 प्लस क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं आप इनकी मार्किंग करेंगे तो आप अपना जो मेरिट है वहां तक पहुंच जाएंगे बना लेंगे इसके मेरिट की अगर हम बात करें जितना आसान पेपर इन्होंने बनाया है मैक्सिमम पोर्शन पास पेपर से उठाया है तो पास पेपर की इम्पोर्टेंस में आपको कहता रहा हूँ जब से सीटी आई थी पास पेपर की जो इम्पोर्टेंस है उसे आप साइड में नहीं कर सकते हैं वो आपको करने पड़ेंगे तो आपको आइडिया हो ही गया है अब जो यकम को जिन लोगों का पेपर होना है इनशाला उम्मीद करते हैं कि उनका जो लेवल होगा डिफिकल्टी वो भी यही होगा इनशाला तो जिन चीज़ों को लेके चले मेरिट के बारे में अगर मैं सरसरी से अगर आपको बताऊं इवनिंग का पेपर अभी मैंने नहीं देखा वो देखने के बाद जो है ना जी मेरा ये ख्याल है कि सत्तर के राउंड अबाउट इसका मेरिट होगा बहत्तर भी हो सकता है सिक्सटी एट भी हो सकता है सत्तर के राउंड अबाउट रुकने वाला है इसका मेरिट ठीक है अगर इससे ज्यादा आसान पेपर और भी सेकेंड टाइम वाला और भी आसान हुआ 75 तक भी जा सकता है तो 70 और 75 की ब्रैकेट में होगा इसका हमारे इससे ज्यादा नहीं जाएगा जितना भी आसान पेपर बना लें तो ये बेटा जो है ना पेपर था इसे करें और जो है ना जी दुआएं तो हमारी आपके साथ है ही है तो इवनिंग का अगर कोई बच्चा पेपर दे के आया है तो वो जरूर क्वेश्चन शेयर करें ताकि वो भी हम जो है ना एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें आप अपनी मार्किंग कर सकें आज के लिए इतना ही हालाफि